बनाएंगे चने की दाल। तो सबसे पहले चना को भिगो लिया था, एक दिन से ज़्यादा हो गया था, यहाँ पे थोड़ा सा ये स्प्राउटेड दिख रहा है। उसके बाद चने को उबाल लेंगे। चने के साथ मैंने एक छोटा आलू भी उबाल लिया था। उसके बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्च, लहसुन और अदरक, और उसके बाद चने का पेस्ट बना लेंगे। सूखा ही पानी नहीं डालना इसमें। उसके बाद पैन में लेंगे सरसों का तेल, अच्छी तरीके से इसको गर्म कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे जीरा, और उसके बाद इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे और फिर उसके बाद इसमें डाल देंगे नमक। नमक पहले इसमें थोड़ा सा कम ही डाला है, बाद में डालेंगे टेस्ट करके। नमक डालने के बाद प्याज को एक डेढ़ मिनट के लिए और भूनेंगे। फिर इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर। एक दो मिनट के लिए इसको चलाएंगे और फिर उसके बाद जो पेस्ट बनाया था उबले हुए चने का, उसको डाल देंगे इसमें। और उसको डालने के बाद उसको भूनेंगे कुछ देर के लिए। ये दाल जैसा बनेगा बेसिकली, जैसे थोड़ा सा क्रीमी दाल मखनी होता है वैसा ही। इसमें क्रीम नहीं डालेंगे, बट ये ऐसा ही टेक्सचर आएगा। और जो आलू बॉईल किया था इसके साथ, उसको भी डाल देंगे और अच्छे से आलू को मैश कर देंगे चने के साथ। 4-5 मिनट के लिए चना और आलू को भूनेंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे मसाले, जैसे रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। और उसके बाद इन सबको भून लेंगे, मसालों को इसी तरीके से सूखा ही भून लेंगे। उसके बाद 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद इसको इसमें डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से चने को, आलू को और पानी को अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए सब। और फिर उसके बाद उसमें थोड़ा पानी और डालेंगे और फिर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। ढककर इसको पकाएंगे और इसको टेस्ट करके देख ले, अगर नमक कम है या फिर कोई और मसाला कम लग रहा है तो उसको आप ऊपर से अभी डाल सकते हैं। तो नमक थोड़ा कम था और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल दिया, क्योंकि तीखा थोड़ा कम था। और एक मिर्ची, हरी मिर्च बारीक कट करके छोटा छोटा टुकड़ों में, उसको भी डाल दिया। और फिर उसके बाद दाल को अच्छे से पकाना है। इसको ढककर पकाएंगे, थोड़ा सा पानी इसमें डाल देंगे और फिर उसके बाद इसे ढक देंगे और इसको पकाएंगे। ज़्यादा देर इसको नहीं पकाना है, और बस 3-4 मिनट पकाना है। और फिर उसके बाद इसको निकाल कर आप रोटी के साथ खा सकते हैं। रोटी और पराठे के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा क्रीमी टाइप का होता है ये दाल। हल्का सा मैंने इसमें पानी डाला, क्योंकि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, तो हल्का सा पानी डालकर ऊपर से थोड़े से धनिए के पत्ते डाल दे, और ये रेडी है खाने के लिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।